नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रही है, उसमें से एक जो प्रिवेंटिव मेजर जो सब जगह सर्कुलेट हो रहा है वो है कि हमें कुछ कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हमारे किचन में ही अवेलेबल होती हैं उनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। सो मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने जो जो चीजें बताई हैं वो हमारी हेल्प कैसे करेंगी, है ना। हर इंसान ने पढ़ रही है कि हम मुझे इस चीज की डिकॉक्शन पीनी है, काढ़ा बना के पीना है या टी बना के पीनी है, लेमन लेना है, तो हर इंसान को फिर ये क्यूरियोसिटी तो होती है कि ये इफेक्ट कैसे करता है, ये मैं कैसे फाइट करूंगा, अगर मैं ये लेता भी हूँ, च्यवनप्राश में खाता भी हूँ तो वो कैसे इफेक्ट करेगा। तो मैं उन्हीं चीजों को कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हर इंसान के मन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेडिटेशन से। प्रिवेंटिव मेजर में सबसे पहले जो जिस चीज पे मैं फोकस करती हूँ, जो मैं हमेशा समझाती हूँ कि आज की डेट में लोग क्यों सफर कर रहे हैं सबसे ज्यादा, वो सफर करते हैं क्योंकि हमारी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती जब हम कोई भी चीज खाते हैं या पीते हैं। तो सबसे पहले तो हमें खाना खाते हुए या कुछ भी पीते हुए, मतलब खाने से रिलेटेड जो भी हम लोग काम करते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज जो हर इंसान को पल्ले में बांध लेनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द कोरोना या आपको किसी भी प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हो, क्योंकि कोरोना तो अभी आया है और चला भी जाएगा, बट बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोगों की ऐसी है जो हमेशा हम लोग सफर कर रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं ये बोलती हूँ कि सबसे पहले आप जो भी खाना खाते हो स्टार्ट ईटिंग विद कॉन्सेंट्रेशन, आपका दिमाग उसी में होना चाहिए। मैं अगर खाना खा रही हूँ तो मेरा दिमाग उस टाइम खाने में होना चाहिए, मोबाइल की न्यूज पढ़ने में या कोई मूवी देखने में नहीं होना चाहिए, टीवी में नहीं होना चाहिए। उस टाइम हमें हर चीज से अलग होके हमें खाना खाना चाहिए। दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हर बीमारी की जड़ है आज की डेट में। तो जब हम लोग, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से खाना नहीं खाते, दिमाग उसको नहीं उतना जूसेस नहीं दे पाता, उसमें असिमिलेशन प्रॉपरली नहीं होती और खाना, आधा खाना हमारा बिना धातुओं की पुष्टि करते हुए बाहर वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो प्रॉपरली असिमिलेट नहीं होता। और दूसरी चीज, अभी हम लोग जो बोल रहे हैं कि अनुलोम विलोम करें, यहाँ पे मैं एबीसी से शुरू कर रही हूँ कि हमें क्या करना है। अनुलोम विलोम जो हम लोग बोल रहे हैं कि आप डीप इनहेलेशन करें, आप लंबे लंबे सांस लें, क्योंकि हमारा जो मेन जो इसमें इफेक्ट हो रहा है ऑर्गन, दैट इज लंग्स, और जो हमारा की बॉडी उसको फाइट नहीं कर पा रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि दिमाग उसमें प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। हमारा जो अपना सिस्टम है, जो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है, दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि हमारा दिमाग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए हमें ये दिक्कत आ रही है। अदरवाइज इन्फेक्शन, इतनी लंबी चौड़ी इन्फेक्शन आती हैं और आती हैं और जाती हैं। ये यहाँ पे हमारा क्यों ऑर्गन फेलियर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन पूरा प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जो हम लोग अनुलोम विलोम करने के लिए बोल रहे हैं उसका मेन मकसद ही यही है कि आपकी ये जो हम लोग सारा दिन, हमारा जो आज की डेट में शेड्यूल हो गया, हम लोग बैठे रहते हैं, जब हम लोग बैठे रहते हैं तो लंग्स भी संकुचित होना शुरू हो जाते हैं, फेफड़े हमारे जो है वो संकुचित होते हैं, तो उनको पूरा प्रॉपर इन्फ्लेट नहीं हो पाते। जब ऑक्सीजन अंदर तक जाती है तो नीचे तक सांस नहीं पहुंच पाती। तो अनुलोम विलोम करने का, अभी आप लोगों के पास टाइम भी है तो अपनी हेल्थ पे उसको आप ज्यादा से ज्यादा अपनी हेल्थ पे डिवोट कीजिए रादर देन बाकी सारी चीजों पे वेस्ट करने से। खुद को अर्थ के साथ जोड़िए, आप बाहर बैठिए मॉर्निंग में, अगर आपके पास 10 गमले भी हैं तो आप उनकी वॉटरिंग करिए, उसमें से आप देखिए कोई टाइनी आप निकाल के दूसरी जगह से लगा सकते हो। जब आप खुद को कुदरत के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे तो आपका इम्यूनिटी खुद ब खुद बढ़ जाती है, क्योंकि हमें बाहर से अर्थ और वॉटर एलिमेंट जो मिलता है। तो यहाँ भी ये है कि जब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं लंबी और उसको अंदर रोक के रखते हैं, तो वो अंदर कितनी, अगर हमारे पहले से भी कोई दिक्कत है हमारी बॉडी में, तो वहां तक वो सारा नीचे तक जब तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, जितने दिन हमें मिले हुए हैं, 20-21 दिन मिले हुए हैं, आप देखोगे कि वो शैलो ब्रीदिंग आप पहले शुरू करोगे तो शैलो ब्रीदिंग है वो, धीरे 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 डीप आप नीचे तक अपनी एयर को फील कर सकेंगे,
अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, और उससे क्या है आपका बॉडी का मैकेनिज्म ही फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारे मेन जो पर्पस है ऑक्सीजन का, सांस लेने का, वो है कि जो यहाँ पे ब्लड आता है हमें उसको प्योरीफाई करना है। तो जितने ब्लड प्योरीफाई होगा हमारे बॉडी का एक्शन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आपकी बाकी भी जो भी प्रॉब्लम है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, उनमें भी आप देखोगे कि सुधार आना शुरू हो जाएगा। और मेडिटेशन का पर्पज यहाँ पे क्या है, मेडिटेशन का पर्पज यहाँ पे है कि हमें अपने दिमाग में जितने भी थॉट्स आ जाए, मेडिटेशन है। आपको ये नहीं है कि आपने एक ही दिन में ब्लू लाइट और जितना भी लोग जो मेडिटेशन में है वहां तक पहुंचना है, नहीं, हमें वहां तक नहीं पहुंचना। वहां तक कोई भी पहुंच जाता है तो उसका मैं कहूंगी उसकी अच्छी किस्मत है कि वो इतनी जल्दी वहां तक अगर स्टेज तक पहुंच आई। अदरवाइज आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 10 मिनट ही अगर आप आंखें बंद करके किसी भी नॉइज से फ्री होके आप 10 मिनट अगर आप अपनी आंखें बंद कर देते हो, आंखें बंद करने से तो एक ही दिन में आपके विचार आने बंद नहीं होंगे। जितने भी आपके विचार आते जाते हैं आते रहने दो, उनको विचारों को आने दीजिए, लेट देम कम एंड गो, उनको वैनिश होते रहने दो। आपके जितने भी थॉट्स हैं, जैसे जैसे आप नीचे नीचे लेयर्स में ब्रेन की लेयर्स अगर आप समझते हैं तो आप सुपरफिशियल, उसके बाद हमारा जो है अनकॉन्शियस माइंड, जो जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड हम लोग बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में भी आपके जितनी नेगेटिविटीज आपने इतने सालों में भरी हुई है तो धीरे धीरे वो भी निकल जाएंगी, जो हमें कभी ना कभी जिंदगी में टॉर्चर करती हैं। जब हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कभी किसी चीज के बारे में तो जो हमने तह लगा के रखी हुई है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो चीजें जो हमें दुखी करती हैं या दिक्कत देती हैं, तो आप उनको भी निकाल देंगे एक एक करके, तो आपका माइंड वैसे ही फ्रेश हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसे वर्क करता है जैसे हम लोग सीडीज इकट्ठी करते रहते हैं या ड्राइवर डी में जाके हम लोग इतना डाटा सेव करते रहते हैं, तो एक टाइम भी आता है कि उसमें भी स्पेस नहीं बचती। इसी तरीके से हमारे दिमाग में भी स्पेस नहीं बचती और वो हमें कुछ फाइलें डिलीट करनी पड़ती हैं, तो हम भी वही फाइलें डिलीट करते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होती। तो यहाँ पे भी जो किसी ने आपको बुरा कहा है, किसी ने कोई दिक्कत आपको दी है, तो वो सारी फाइलें आप डिलीट कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट टाइम आपको कोरोना ने शायद खुद को रिवाइव करने के लिए हमें दिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है जो मैं बोलती हूँ हमेशा कि आपको ऑयलिंग अपनी जरूर करनी है। ऑयलिंग करने का क्या मतलब है कि एक तो ये है कि हमें जितने भी सारी हमारे जितने भी छिद्र हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं, जितने भी छिद्र हैं वो कान है, नाक है, एनिस है, यूरिन की नाली है, कोई भी है, तो वहां पे हमें ऑयलिंग जरूर करनी होती है। अगर और डिटेल में जाते हैं तो हम लोग नाक में जो तेल डालते हैं पेशेंट को, नाक में जो तेल देते हैं डालने के लिए, गोवृत देते हैं, सरसों का तेल देते हैं, या कोई भी बादाम रोगन, मैं बोलती हूँ बादाम रोगन इसलिए यूज करती हूँ मैं बहुत ज्यादा क्योंकि उसका टेस्ट जो है पेशेंट के लिए इरिटेटिंग नहीं होता और उसका टेस्ट अच्छा होता है। अगर वो अंदर भी चला जाता है तो पेशेंट इरिटेट नहीं होते। तो हमें जो डेली में जो चीज हमें यूज करनी होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमें रिपल्शन ना हो किसी तरीके से। तो बादाम रोगन से कभी हमें रिपल्शन नहीं होती। हमें नेजल में डालना, अगर आप डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो सिर्फ अप्लाई भी कर सकते हैं, बच्चों को जरूर अप्लाई करें। तो ये आपका जो बॉडी में एयर एलिमेंट है उसको बहुत ज्यादा प्रकोप नहीं होने देते, और जो ये वायरस के साथ तो वैसे भी बहुत अटैच कर रहे हैं कि वो अगर आप लगाते हैं तो उसको वो पास करना वहीं पे पकड़े जाते हैं और आपका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। दूसरा जो नाक और सारे छिद्रों पे तो तेल लगाना ही लगाना है, जो मेन एम्फेसाइज जो मैं करती हूँ वो हमेशा करती हूँ कि आपको बैली बटन पे जरूर लगाना है। बैली बटन हमारी जो प्लेस है उसको हम लोग बोलते हैं पक्वाशगर, कि जितने भी हमारे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो आ रही है वो इसलिए आ रही है कि हमारी बॉडी में एयर एलिमेंट ज्यादा है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसलिए, और मॉइस्चर कम हो गया है। तो यहाँ पे हमें तेल लगाने का मतलब है कि हमारे जितने भी यहाँ पे इंटेस्टाइन्स की जगह है उनको हमें मॉइस्चर जितना भी देंगे हम लोग, हमारी बॉडी में स्टिफनेस कम होगी, क्योंकि प्रॉब्लम तभी आती है जब हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। जितने भी आप देखोगे कि कैंसर या कोई भी और सारी चीजें हैं वो इसलिए होती हैं, अब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, गुस्सा करते हैं, हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है, हमारा खाना पीना ऐसा हो जाता है, तो वो सारी चीजें इसलिए फिर वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और वो हम पे अटैक कर देती है।
तो यहाँ पे ये नाभि पे और ये क्योंकि लंग्स की जगह ये है अनाहत चक्र हार्ट चक्र है जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है अदरवाइज आई मैं जो प्रिस्क्राइब करती हूँ वो दाम रोगन, आपके पास नहीं है सीसम ऑयल यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, गोगृत यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप यूज करें। दिस इज फॉर आपकी प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड और आपका जो आपकी इम्यूनिटी ऐसे इंक्रीज होगी कि आपकी बॉडी में मॉइस्चर रिटेन रहना चाहिए सो दैट आपकी बॉडी में कोई भी चीज इन्वेड ना करे, वो चाहे कोरोना है चाहे कोई और भी प्रॉब्लम्स आपकी रह रही है। सो नेक्स्ट टॉक ऑन कि हमें जो खाते हैं जो हम लोग अजवाइन और डिकॉक्शंस बोल रहे हैं वो आपको कैसे इफेक्ट करती हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन हल्दी कैसे इफेक्ट करती है। सो आई विल बी टेकिंग अप इंटरनल यूज ऑफ मेडिसिन, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।